अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। उपधारा एक के अधीन सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या अन्य किसी माध्यम से देनी होगी। मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी वहां के किसी कॉलोनी के या किसी समुदाय के लोगों पर जब सामूहिक जुर्माना लगाया जा रहा है तो ऐसे जुर्माने की सूचना राज्य सरकार या तो ढोल पीट कर या किसी अन्य माध्यम से, मतलब आप लोग देखते होंगे कि कई बार गाड़ियों पर भोंपू लगाकर और हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों पर इतना जुर्माना आरोपित किया गया है। ठीक है, ये होता है जुर्माना लगाने का तरीका। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति निश्चित कालावधि के भीतर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे सरकार द्वारा इस नियमों के लिए अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया गया है, मान लीजिए एक काल समय दिया गया है, एक कालावधि दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति इस सामूहिक जुर्माने से छूट पाना चाहता है या माफी के लिए अर्जी दाखिल करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं और अर्जी दाखिल करने के लिए फीस का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, अर्थात उनकी फीस नहीं लगेगी। वो अपनी सजा के लिए जो अर्थदंड की सजा दी जाएगी उन्हें, उससे माफी के लिए क्या कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं धारा 11 की तरफ, पश्चातवर्ती दोष। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रचार का पहले भी दोषी पाया गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम के तहत सजा मिल गई है, मतलब कि अपराध दोषी से धो चुका है उसके ऊपर, या उसने अपराध का दुष्प्रचार पहले भी किया हो, तो पुनर्दोष सिद्धि की दिशा में क्या होगा, पहली बार तो जो उसको दंड मिलना था मिल गया, अब दूसरी बार जो अपराध था उसका, उस दूसरी बार जो अपराध किया है उस अपराध के लिए 6 माह से 1 साल तक की अवधि के लिए कारावास और 200 से 500 रुपए तक का आर्थिक दंड देना होगा। और वही प्रक्रिया यदि वह तीसरी बार अपनाता है कि तीसरी बार भी वह दंड करता है ऐसा, मतलब वो उद्दंड बालक है, तो फिर क्या होगा, उसे 1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि का कारावास और 500 से 1000 रुपए के जुर्माने का दंड मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। धारा 12 में क्या दिया गया है, न्यायालयों का द्वारा उपधारणा। यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है तो न्यायालय यह उपधारणा मतलब मानकर चलेगा कि यह कार्य अस्पर्शता के आधार पर किया गया है। मतलब फिर से समझिए इसका, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अनुसूचित जाति के व्यक्ति ऐसी जाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है तो न्यायालय यही मानकर चलेगा कि यह कार्य अस्पर्शता के आधार पर किया गया है, चाहे आपने किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन वो न्यायालय क्या मानकर चलेगा कि आपने जो अपराध है वो अस्पर्शता के आधार पर ही किया है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। धारा 13, सिविल न्यायालयों की आधिकारिकता की परिसीमा। कोई भी सिविल न्यायालय ऐसा कोई भी वाद मुकदमा या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा जिसके आदेश से इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य हो। मतलब सिविल न्यायालय ऐसा कोई भी मुकदमा या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा जिससे कि इस अधिनियम के विरुद्ध में कोई कार्य करना पड़े।
सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कोई भी न्यायालय अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यता लागू करने वाली किसी रूढ़ या प्रथा को मान्यता नहीं देगा। निर्योग्यता यानी डिसएबिलिटी को लागू करने वाली किसी रूढ़ या प्रथा को मान्यता नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। धारा 14 कंपनियों द्वारा अपराध। यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो जिस समय कंपनी के द्वारा अपराध किया गया उसमें हर एक ऐसा व्यक्ति का भार साधक और कंपनी के लिए उत्तरदायी है उस अपराध का दोषी माना जाएगा। परंतु यदि कंपनी का कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है तो वह बच सकता है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सुनाऊंगा। एग्जाम्पल क्या है सुनो, मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने अस्पर्शता के आधार पर अपनी कार किसी व्यक्ति को देने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति उस पूरी फर्म पर, पूरी टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर क्या करेगा, केस करेगा और कहेगा कि इस कंपनी ने अस्पर्शता के आधार पर मुझे कार देने से मना किया है। लेकिन उस कंपनी में यदि कोई एम्प्लॉई है, उस कंपनी में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो ये साबित कर दे कि मैं उस वक्त इस कंपनी में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, बाहर गया हुआ था, तो वो व्यक्ति इस अपराध से बच जाएगा। यदि वो, मान लीजिए वो ट्रेन का टिकट लगा दे, कहीं होटल की चेक इन चेक आउट का टाइम बता दे या बिल बता दे या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स बता दे जिसे गवर्नमेंट मान्यता दे, मतलब न्यायालय जो है वो मान सके कि हाँ ये इसके पास वैलिड रीजन है कि ये उस वक्त कंपनी में नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को इस अपराध से बच जाएगा, ऐसा व्यक्ति इस अपराध से बच जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या कहती है इसमें, कंपनी के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध यदि किसी कंपनी के, इस कंपनी के निर्देशक या प्रबंधक, सचिव, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य कोई अधिकारी की सर्वसहमति, मतलब सहमति से कॉन्सेंट, देखो शब्द दिया गया है दोस्तों इंग्लिश में कॉन्सेंट, सम्मति से किया गया है, तो ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव व अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा। मतलब मेरी फर्म में ऐसा कोई अपराध हुआ है और मैं उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैंने ही अपने अधीन जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको कहा है कि इस काम के लिए कर सकते हो, तो इस व्यक्ति को गाड़ी नहीं देनी है, किसी अस्पृश्यता से अधिनियम के अधीन इस व्यक्ति को गाड़ी नहीं देनी है, तो सबसे पहले गाज जो गिरेगी वो मुझ पर ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो, उसने जो भी काम किया है वो मेरी सम्मति से किया है, उस एम्प्लॉय ने जो भी काम किया वो मेरी सम्मति से किया है, इसीलिए अपराध का दोषी मुझे भी माना जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। सद्भावना कार्यवाही पूर्वक कार्यवाही संरक्षण। कोई भी ऐसा कार्य जो अपराध की श्रेणी में आता है इस अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वह कार्यवाही सद्भावना पूर्वक की गई है, मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई भी नियम बनाया, नियम कानून बनाया, वो राज्य सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। केंद्र या राज्य सरकार ने मान लीजिए कोई भी नियम बनाए और वो लोक हित को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और वो कार्यवाही जो की गई है वह सद्भावना पूर्वक की गई है, तो केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, उसे
सद्भावना पूर्वक कार्रवाई का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अगली धारा की ओर बढ़ते हैं, धारा पंद्रह। अपराध संज्ञेय या संक्षेपत विचारणी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या कहती है? इस 1973 दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है, इस अधिनियम के तहत जो भी किए जाने वाले अपराध होंगे वे संज्ञेय सोच विचार के योग्य तो होंगे, लेकिन इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति ने अगर अस्पृश्यता के आधार पर अपराध कर दिया तो वो गैर जमानती होगा, उसको उस व्यक्ति को बिना वारंटी गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक सजा वाले अपराध की सुनवाई कौन करेगा? जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा जिले में, यदि कोई ऐसा केस हुआ है तो, और महानगर में हुआ है तो महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। और अगले पॉइंट में क्या कहते हैं दोस्तों, यदि किसी लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए इस अपराध को करता है, मतलब अस्पृश्यता नियम के अंतर्गत इस अपराध को करता है या अपराध का दुष्प्रहण किया है, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान या सुनवाई, अब देखिए दोस्तों लोक सेवक है, ब्यूरोक्रेट से, वो अपने पद पर रहते हुए पद पर है वो व्यक्ति, और इस अपराध को अस्पृश्यता जनित अपराध को कर रहा है या अपराध का दुष्प्रहण कर रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बचाव कर रहा है, कोई उसका सगे संबंधी है उसका बचाव कर रहा है व्यक्ति, तो यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो केंद्र शासन की मंजूरी के बिना, और राज्य शासन का कर्मचारी है तो राज्य शासन की मंजूरी के बिना नहीं करेगा न्यायालय कोई भी सुनवाई। यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी तो केंद्र शासन की मर्जी के बिना, और राज्य शासन का कर्मचारी है तो राज्य शासन की मर्जी के बिना सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, धारा 15A। धारा 15A में देख लेते हैं, सिविल अधिकार को संरक्षित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य। यदि केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम में कोई नियम या बदलाव किया जाता है तो राज्य सरकार को भी उस नियम को अनुरूप ही कार्य करना होगा। देखो पहली शर्त क्या कहती है, यदि केंद्र सरकार ने कोई नियम वहां से बनाया तो राज्यों की सरकार को भी उस नियम को मानना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, नंबर 1 सबधारा है दूसरी, इसमें अ किसी पीड़ित व्यक्ति को विधिक सहायता प्राप्त करना, ठीक है ये सब राज्य सरकार के काम होंगे। नियमों को लागू करने एवं जांच करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन करना, राज्य शासन की सहायता के लिए राज्य सरकार समितियां गठित करेगी, और इस अधिनियम के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार समय समय पर सर्वेक्षण कराएगी, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करेगी, चिन्हित करेगी जहां पर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई पीड़ित होंगे, और ऐसे उपायों का सृजन करेगी जिससे उस क्षेत्र की अस्पृश्यता जनित समस्याओं को समाधान किया समाप्त किया जा सके। मान लीजिए किसी जगह पर बहुत इस अधिनियम के तहत बहुत सारा अपराध किया जा रहा है और हमें उस क्षेत्र को चिन्हित कर लिया कि यहां पर यह अपराध होता ही होता है, तो राज्य शासन अपने कुछ कर्मचारियों को या अपने ऐसे अधिकारियों को वहां भेजेगी
कि वहां पर आप लोगों को ऐसे कुछ रूल्स बनाने हैं, ऐसे कुछ प्रचार प्रसार करने हैं कि ये अपराध ना हो, ऐसा अपराध कम हो, वहां के लोगों को ये इनकी इसकी अपराध की जानकारी हो कि इस अपराध से क्या सजा मिलेगी। अब आते हैं सब धारा 3 की तरफ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में समन्वय स्थापित करेगी। क्या करेगी दोस्तों? आपस में समन्वय स्थापित करेगी। केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए, आपस में दोनों के बीच में समन्वय जारी रहना चाहिए। चौथी सब हेडिंग की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार हर वर्ष, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के दोनों के समक्ष स्वयं एवं राज्यों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कौन रखेगा सर दोस्तों इस रिपोर्ट को? केंद्र सरकार। किसके समक्ष? संसद के समक्ष, राज्यों की और खुद की, दोनों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। धारा 16 क्या कहता है? अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोहण। यह अधिनियम जब तक विशेष उपबंध ना किए जाएं, प्रत्येक अधिनियम या कानून से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी कि इस अधिनियम में जब तक कोई विशेष उपबंध ना किया जाए, यह अधिनियम सब कानूनों से ऊपर रहेगा। ठीक है, 16 का क क्या कहता है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति 14 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों पर तो सिविल अधिकार अधिनियम लगेगा 1955, और जो व्यक्ति मान लीजिए छोटा बालक है, 10 साल का है, उसने इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है, तो उस पर सिविल अधिकार नहीं लागू होगा, उस पर लागू होगा 1958 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, और इसी परिवीक्षा अधिनियम के तहत जो अपराध तय किए गए होंगे, जो सजा तय की गई होगी, वही उस 10 साल के बच्चे को मिलेगी। ठीक है, बचेगा कोई नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं धारा 16 का भी, नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति किसको है दोस्तों? देखो, केंद्र सरकार राजपत्र में कौन करेगी? केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम में नियम बना सकती है। नंबर 2, इस अधिनियम में बनाया गया हर नियम संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। प्रश्न, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिए। इस अधिनियम में बनाया गया हर एक नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कितनी अवधि के लिए? 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट जो हम लोग देख लेते हैं, अगर इस समय सीमा में दोनों सदन चाहें तो किसी भी नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, कितने समय की में? 30 दिन की अवधि में चाहें तो नियम में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी नियम को निष्प्रभाव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मतलब खत्म ही करना चाहें उस नियम को तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने 16 भी पढ़ लिया, अब आखिरी है धारा 17 निरसन। इसका मतलब है किसी विधि या नियम आदि को साधिकार रद्द करना, निरस्त कर देना, मतलब इस पूरे के पूरे अधिनियम को निरस्त कर देना, ये हो गया निरसन। इस प्रकार आप लोगों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को पढ़ लिया है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और फिर बता देना चाहता हूं कि इस अधिनियम में 2019 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार हम लोगों का आज पहला एक्ट समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।